नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय राजनीतिक तो नहीं है, पर चूंकि राजनीति हर समय होती रहती है, इसलिए थोड़ा सा जुड़ाव राजनीति जरूर हो जाता है। पर यहां पर जो मुद्दा है वो हमारा बिल्कुल अलग है। मुद्दा यानी कोरोना, वो कोरोना जिसको शायद अब जो मानव सभ्यता है 21वीं सदी की, वो भूल नहीं पाएगी। क्यों नहीं भूल पाएगी? क्योंकि ऐसी भयावहता देखने को नहीं मिली, और ऐसी महामारी जिसने आदमी के रोंगटे खड़े कर दिए, लाशों के ढेर, फुल पड़े कब्रिस्तान, शमशान और अस्पतालों में पॉलिथीन में पैक मानव शरीर, ये बताते थे कि कोरोना क्या है और कोरोना की विभीषिका क्या है, ये महामारी कैसी है और इसकी दर्द क्या है। इसको जिसने झेला है शायद वो ही जानता है, या जिसके परिवार में कोरोना के कारण किसी की मृत्यु हुई हो वो परिवार जानता है, या फिर वो अनाथ हुए बच्चे जानते हैं जिन्होंने कोरोना के चलते अपने माँ बाप को खो दिया। एक ऐसा दर्द जिसको आप व्यक्त ही नहीं कर सकते, एक ऐसी विभीषिका जिसने मानव सभ्यता पर एक ऐसा जख्म दिया है जिसकी पुनरावृत्ति लगातार बार बार होती जा रही है। क्यों? अब कारण कोई नहीं जानता। दिसंबर 2019 में चीन से शुरू हुए कोरोना को लेकर किसी को यह लगा था कि कोरोना इतना खतरनाक है कि चीन से शुरू होकर यह बीमारी पूरे वैश्विक रूप से फैल जाएगी। अगर हम भारत की बात करें तो 27 जनवरी 2020 को पहला केस आया केरल के एक वैद्य ग्रुप में, और जिनकी मृत्यु कोरोना के चलते हो गई। उसके बाद लॉकडाउन भी लगाया गया, आंशिक लॉकडाउन भी रहा और समयबद्ध लॉकडाउन चलता रहा, और उसके बाद जो स्थिति रही तब भी बहुत काबू में रही। पर जब ये बीमारी 21 में आई तब इस बीमारी ने अपना वो रूप दिखाया जिसको शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी, और ना जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितनी गोदें सूनी हो गई और कितने बच्चे अनाथ हो गए 21 की बात। और फिर 22 में इसका तीसरा वेरियंट यानी ओमिक्रॉन आया जनवरी में। हालांकि जो रिकवरी रेट था बहुत बेहतर था, 96 से ऊपर था, और जो मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर कम थी, इसलिए ओमिक्रॉन का इतना डर नहीं लगा जितनी की उम्मीद की जा रही थी। पर अब जानकारी ये मिल रही है कि ओमिक्रॉन का इस सब वेरियंट यानी BF.7 इसने चीन में दस्तक दे दी है, और चीन की स्थिति वहां पर भयावह हो चुकी है। कहा जा रहा है कि भूत जो बीजिंग है, चीन की राजधानी है, वो भितिया शहर में तब्दील हो चुकी है। लाशों के ढेर लगे पड़े हुए हैं और स्थिति गंभीर है, और केवल चीन नहीं, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया समेत तमाम देशों में इस समय दिक्कतें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं। और समस्या ये बताती हैं कि अगर मानव प्रवृत्ति खराब है या आप कभी भी पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में प्राकृतिक परिवेश को छोड़कर अगर अपना परिवेश बदलेंगे या कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा केवल और केवल एक ही मिलेगा, और वो है मौत, जो कि हमने लगातार देखी है और सुनने में आ रहा है कि वेरियंट जो कि चीन में इस समय हाहाकार मचा रहा है, उस वेरियंट के कुछ मरीज हमारे देश में मिले। सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वास्तव में चाहते हैं कि 21 जैसी पुनरावृत्ति दोबारा हमारे देश में ना हो, दोबारा हमारे भारतीय व्यवस्थाओं को ना झेलना पड़े, उसके लिए उठाने पड़ेंगे कठोर कदम। केवल जागरूकता से, केवल नियमों से अब काम नहीं चलेगा। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है, और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। सेवाब जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम।
कोविड का नया वेरिएंट BF7 अब भारत में आ चुका है। भारत में भी 4 केसेस आ चुके हैं, लेकिन इससे आपको अभी फिलहाल घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से हम पहले से अपने सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते आ रहे थे, हमें वही प्रिकॉशंस दोबारा लेने हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो भी उन्होंने हमें प्रिकॉशंस लेने के लिए बताए हैं, जैसे कि अपने हाथों को धोना है, अपने हाथों को आँख मुँह और नाक में नहीं लगाना है, मास्क का प्रयोग करना है, किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, आपको ये याद रखना है। और कभी भी आप किसी से, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर है और बॉडी एक है, हेडेक हो रहा है, सोर थ्रोट है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो आप कृपया टाइम टू टाइम अपना टेस्ट कराते रहें। इससे आपको अपने और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर नियम कायदों के लिए रणनीति कौन बनाएगा? मैं पूरी चर्चा विषय वहां से मेहमान जुड़ चुका रूबरू करूं। केसी जैन भाई भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, शिल्पी चौधरी जी प्रवक्ता सपा के रूप में पक्ष रखेंगी, विवेक शर्मा भाई समाज सेवी हैं और हमेशा अपनी राय रखते आए, उनका स्वागत है। इसके अलावा सैयद मोहम्मद तकी भाई प्रवक्ता हमारी पार्टी के रूप में पक्ष रखेंगे और चिकित्सक के रूप में डॉक्टर चित्रा सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है केसी भाई, और जो भयावहता 21 में देखने को मिली दूसरी वेव में डेल्टा वेरिएंट, और स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आंकड़े भले ही कुछ भी ना कुछ बोले, पर सबको पता है कि लाशों के ढेर थे, सबको पता है कि शमशान भरे हुए थे, सबको पता है कि परिवार उजड़ गए, और सबको पता है ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, छुपा किसी से नहीं है। आंकड़े भले कुछ भी आए, अब इस बार जो स्थिति है उसको किस तरह काबू में करेंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो शायद देर हो जाएगी, कैसे देखते हैं? और आपका विषय, ये जो आपके लाखों लाख दर्शक हैं जी, क्योंकि डॉक्टर साहब भी आपके इस पैनल में साथ में हैं जी बिल्कुल, तो लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे जी। और हमें लगता है कि अभी जिस प्रकार से इस जो BF7 नया कोरोना वेरिएंट आया जी, जिसकी जानकारी मिल रही है जी, और चाइना में ये अपने पैर बहुत बड़े स्तर पे पसार चुका है जी, ऐसे में भारत देश में इसकी एंट्री की भी सूचना मिल रही है कि 2-3 केस मिले हैं जी, तो ऐसे में जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जी। और ये चीज है गौरव जी कि सरकार अपने स्तर पे बहुत ही बड़े स्तर पे सारी तैयारियां लगातार कर रही है जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बड़े अधिकारियों के साथ में इसकी मीटिंग भी की है जी, और अपने विभाग के मंत्रियों के साथ में और अधिकारियों के साथ जी, और सीधे सीधे दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी है, उसके बाद में 1 जनवरी को तमाम सारे जगहों पे तमाम सारे लोग नया वर्ष हर्षोल्लास से मनाते हैं जी, तो गैदरिंग होना स्वाभाविक है जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस गैदरिंग से भी बचना है। और अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो जो कोविड की गाइडलाइन पहले से जारी थी उन्हीं सारी चीजों का एक बार फिर से पालन करना होगा। और अभी आपने बताया जिस प्रकार से जब दूसरी तीसरी लहर आई और जो कैजुअल्टी रेट था वो कम था, लोग तब तक जागरूक हो चुके थे, चीजों के बारे में जान चुके थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, और यही सबसे बड़ी चीजें थी जिनसे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सका जी। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसकी पूरी तैयारी कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों के साथ बड़े स्तर पर मीटिंग की है, और चाहे कोविड के बेड वो तैयार करना हो, हॉस्पिटल्स की तैयारी हो या ऑक्सीजन प्लांट्स की तैयारी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई कहाँ कैसे क्या होनी है, उन सारी चीजों को लेकर के सरकार सजग है और तैयार है। साथ ही साथ जो मेडिकल की यूनिट्स हैं और साथ ही साथ जो सहायक कर्मचारी के रूप में, वो चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, ANM हो, GNM हो, इन सारे लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से लोगों को जागरूक करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल, और साथ ही साथ अगर कहीं पे भी इस तरीके की स्थितियां दिखाई देती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए जिला मुख्यालय में संपर्क और जिला मुख्यालय से सीधे प्रदेश मुख्यालय को संपर्क के लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से निश्चित की गई हैं,
तो अभी किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है गौरव जी, लेकिन हाँ जागरूकता बहुत जरूरी है और बिना सामाजिक सहयोग के इस महामारी से लड़ा भी नहीं जा सकता है। और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है उनको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। अच्छा। जिनका वैक्सीनेशन पहली बात तो 100% वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बाकी हैं तो उनका वैक्सीनेशन बूस्टर डोज जो सारी चीजें हैं बचाव की, देखिए इस महामारी से सिर्फ और सिर्फ बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि एक बार संक्रमण की चपेट में आने के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, वो चाहे जैसा ट्रीटमेंट ले लेकिन उसको उसके परिवार को बहुत सारी समस्याओं से लड़ना पड़ता है। ऐसे में जरूरी इस बात की है कि संक्रमण ना होने पाए। अच्छा। क्योंकि एक व्यक्ति संक्रमण होती था होता है तो उसके माध्यम से तमाम सारे लोग संक्रमित होती है, ये चैन बन जाती है और चैन के द्वारा ही लोग संक्रमित होते हैं। जी जी, आपकी बात पर शिल्पी चौधरी प्रवक्ता सभा हंस रही थी, क्या क्यों हंस रही थी? देखिए गौरव जी, जहां तक महामारी का सवाल है ये हमें नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक विषय है। अच्छा। और पूरे देश में पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में जब महामारी विकराल रूप ले रही थी उस समय भी भारत देश ने तमाम सारे देशों को दवाइयां तक सप्लाई की, वैक्सीन तक सप्लाई की। तो ऐसे में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अगर ये हंस रही हैं तो ये उन पर हंसना है और अपनी सफलता को नकारात्मक रूप से पेश करके हंसना है। ठीक है, जवाब नहीं लेता हूँ। सिर्फ जी, किसी भी बोल रहा है कि राजनीतिक नहीं है, आप क्यों हंस रही है भाई? और अगर डॉक्टरों ने मेहनत की है उस पर किस बार की हंसी, किस बार पर हंसी आ रही थी आपको किसी भाई? देखिए ऐसा ना, गोबर खाने वाले और गोमूत्र खाने वाले जब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की बातें करते हैं ना तो हंसी आना स्वाभाविक। अच्छा, है अच्छा। जो शाखा का ज्ञान फाड़ते हैं, ये देखिए पूरे कोरोना काल में न जाने कितनी बार गोमूत्र की महिमा का मंडन किया गया तो फिर बुरा लगे। शिल्पी जी इस तरह मत बोलिए, ऐसी टिप्पणी गोबर खाने वाले आपको आके तमाम सारे लोग भाजपा में आ गए, उसमें अपर्णा यादव जी भी हैं, शिवपाल जी भी आपको छोड़ दिए थे, तो गोबर खाने वालों के साथ पूरी सपा आ गई थी और सपा ध्वस्त हो गई। इसीलिए और कह रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ, 100% वैक्सीनेशन, और अगर हुआ है तो फिर आपकी सरकार को ये अंडरटेकिंग देनी चाहिए। क्यों? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा जाके कि वैक्सीन से हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हमने किसी को बाध्य नहीं किया। अच्छा। हमने सरकार ने दबाव ही नहीं डाला। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या कहा है सरकार ने? जी। उसी पार्टी से ही आते हैं जी। जिस पार्टी की सरकार ने जाके कहा है कोर्ट में कि उससे हुई हुई मौतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, हवा ये कह रहे हैं हमने 100% वैक्सीनेशन करा दिया। तो मैं इतने हंसूंगी गोबर और गौमूत्र वाले लोग अपना ज्ञान न बांटे कि कौन क्या बात करता है, ये कहाँ तक पढ़े पूछ लीजिए। हम लोग तो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, हम जानते हैं वैक्सीनेशन क्या है, हम जानते हैं कि वायरस का वैक्सीनेशन कितना म्यूटेशन होता है। और ये कह रहे हैं कि लैब में वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन लगाने भी आप लोग गए थे, फिर दूसरी डोज लगवा लीजिए, जब आपका वायरस म्यूटेट हो जाएगा तो आपकी हर वैक्सीन फेल है। अखिलेश जी बनाए हैं, अखिलेश जी बनाए हैं, अखिलेश जी क्या बनाएंगे? मोदी ने बनाई है? अच्छा, मोदी ने बनाई है? मोदी क्यों कह रहे हैं कि आज मेरा कोई लेना देना नहीं वैक्सीन से? अच्छा, अखिलेश जी बनाए हैं, तो पढ़े लिखे इंजीनियर मोदी बताएंगे कितना पढ़े लिखे हैं? अपने मुंह में रखिए, अभी हैसियत रही आपको गोबर और गौमूत्र खाने वालों से ने कह दिया, हमारा ने कह दिया। कोई बहस का लेवल नहीं है। मोदी जी ने तो लॉकडाउन लगाया था वाले, और समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे थे लॉकडाउन क्यों हो गया, लॉकडाउन क्यों हो गया, डॉक्टरों की बात ना करें। जब लॉकडाउन नहीं लगाया, दिया बत्ती जलाने वाले कोरोना के लिए फिर नया टोटका लेके चले आएंगे, फिर नया टोटका लेके चले आएंगे। इनको नहीं पता है कि कोई डॉक्टर कैसे बनता है। अरे आज तक मार्कशीट तो निकल के आई नहीं है इनके मोदी जी की। अच्छा। पूछिए ना कौन सी मार्कशीट है, कहाँ पढ़ाई की हुई है? नहीं है आज कभी। दूसरों की पढ़ाई पे क्या बात करते हैं जी, जी। दूसरों की पढ़ाई पे क्या बात कर रहे हैं शाखा? ये बहुत ही तुच्छ मानसिकता की बातें हो रही है। खाने वाले क्या है, पीने वाले और बहुत तुच्छ मानसिकता की बातें पेश हो रही है यहाँ पर। कोविड जैसे महामारी जैसे
इतने बड़े विषय पर इतनी तुच्छ मानसिकता का स्टेटमेंट और इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव जी का, श्री अखिलेश यादव जी का बयान आया था गौरव जी, गौरव जी जिस समय वैक्सीनेशन हो रहा था तो यही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया का बयान आया था वैक्सीनेशन मत करवाना, वैक्सीनेशन मत करवाना, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब वैक्सीन लगवाना। याद है नहीं याद है? आज हो रही मौतों पे इनके प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं हमने तो किसी को बात नहीं किया। क्या चलना चाह रहे हैं आप लोग? कौन लेके आया ये वैक्सीन जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं? क्यों लगाए जनता बूस्टर डोज? अच्छा, आपकी रैली होती है तब कोरोना नहीं फैलता है, और आपकी रैली का समय पूरा होता है और कोरोना फैलने लगता है। अच्छा, फिर चाइना से फैलने लगता है। अच्छा, अब चाइना में तो इनकी रैली नहीं होती भाई, अब चाइना में क्यों? डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, नमस्ते इंडिया हो रहा था, तब कोरोना नहीं फैल रहा था। अच्छा, तब मोदी जी उसका स्वागत अहमदाबाद से लेके आगरा तक कर रहे थे। बताइए कि कोरोना बम लेके कौन चल रहा था? डेविड में आप लोगों की पढ़ाई, क्या पढ़ाई है हमें नहीं पता, हमारी पढ़ाई है, हमें पता भी रहता है कि किसने कब कहां क्या फैलाने में योगदान दिया। क्यों उस समय राहुल गांधी जब कह रहे थे कि बाहर से आए हुए यात्रियों को एयरपोर्ट पे रोका जाए और आपने नहीं रोका? अच्छा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा तमाशा यहाँ पर आना था। अच्छा, अहमदाबाद से लेके आगरा तक किसने फैलाया है कोरोना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है शिल्पी जी, बताइए, पर यहाँ पर आहट मिल रही है और कह रहा है कि भारत में भी फैल सकता है, तैयारी सरकार कर रही है, पर विपक्ष होने के नाते शायद थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है, तो आप कैसे इसको रोकेंगे और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जी, और सरकार से क्या? इसके अलावा कोरोना से आप बिल्कुल नहीं लड़ सकते। वजह, अच्छा, और बताती हूँ वजह, सुनिए। 2021 जब कोरोना की सेकेंड वेव आई इसी शहर लखनऊ में, जब शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची थी, डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लिखना शुरू किया रेमडेसिविर जी, हजारों करोड़ का कारोबार हुआ रेमडेसिविर के नाम पे पूरे भारत में। बिल्कुल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। खुद मैंने एक रैकेट पकड़वाया यहाँ पर, बहुत बड़ा रैकेट पकड़वाया आशियाना थाने में जी, ठीक है जी, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, रेमडेसिविर का 15 दिन का एक पूरी भूमिका खत्म होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा रेमडेसिविर की तो कोई भूमिका ही नहीं थी कोरोना में। अच्छा, क्या क्या घपले कर रहे हैं आप? एक एक इंजेक्शन 30,000 35,000 40,000 जो मात्र देखिए, ये सारे निर्णय डॉक्टर्स के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और भारत देश से, और कौन सी कार्रवाई, भारत देश से जो मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्वीन, जो मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्वीन, उसकी बड़ी मात्रा पे मांग विदेशों में थी, जब एक कोविड की और अमेरिका ने भी कई ट्रक माल, इनकी पुलिस सोई हुई थी, कई ट्रक माल मंगवाया, आप मत करिए हम कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, ठीक हो गया हो गया। किसी भाई अभी जी, अभी आपके पास लेता हूँ, ठीक है किसी भाई अभी आपके पास लेता हूँ, किसी भाई अभी आपके पास लेता हूँ, ठीक है हमारे साथ किसी भाई अभी आपके पास लेता हूँ, किसी भाई अभी आपके पास लेता हूँ, तकी जी जी भाई आप भी लखनऊ में रहते हैं और तपरेस में निवास करते हैं और इस वैश्विक महामारी को आपने भी देखा है, प्रवक्ता है हमारी पार्टी के, भाई यहाँ पर जिस तरह से तैयारी चल रही है और सरकार कह रही है कि इस बार हम गलतियाँ नहीं होगी, और गलती पिछली बार भी नहीं हुई और वहाँ पर भी सरकार ने पूरा प्रयास किया लोगों की जान बचाने का, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय रहे और फ्रंट पर आकर उन्होंने इस पूरी व्यवस्था का मोर्चा संभाला, पर इस बार फिर कोरोना की मार की शुरुआत हो रही है, हालांकि भारत में अभी स्थिति उतनी पहले की नहीं है, शुरुआत है, पर कैसे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्या है इस पूरे विषय पर? देखिए, मुझे पतझड़ों की दास्तान सुना सुना के उदास कर, नए मौसमों का पता बता जो चला गया चला गया। अच्छा, पिछली सरकारों ने बहुत सारी गलतियां की कोरोना को डील करने में, कोरोना आने की नई बीमारी थी। अच्छा, बहुत से लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। अच्छा, और WHO से दिशा निर्देश भी लगातार बदल रहे थे, बहुत गाइडलाइन सही नहीं बन पा रही थी, इस वजह से बहुत सा कन्फ्यूजन रहा और सरकारों ने कई जगह पर गलतियां करी जो प्रत्यक्ष रूप से सामने है। और हमारी जो दिल्ली सरकार है, जो BJP की सरकार है, उसको वक्त भी मिला था, क्योंकि आपने इसे बताया
कि फरवरी वो 2019 दिसंबर में कोरोना जो शुरू हुआ था, हमारा पहला केस जनवरी में आया था, तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो है, दिसंबर में तो न्यूज आई थी, होना तो पहले शुरू हो गया था। अच्छा। तो आप देखिए, 3-4 महीने का समय जो है भारत के पास था उसे तैयारी करने के लिए। अच्छा। और देशों ने बहुत तैयारी की, लेकिन हम उस तैयारी को सही से कर नहीं पाए। और शिल्पी जी नहीं, और देश बहुत अच्छे से लड़े, ये आप ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। क्या सिंगापुर नहीं लड़ा था? सिंगापुर कोरोना से लड़ा नहीं लड़ा? सिंगापुर की आबादी कितनी है? 50 से 60 लाख सिंगापुर की आबादी है, जितने WHO ने कहा था भारत के अंदर 50 से 60 लोग जो है वो कोरोना वजह से मरे हैं। तो इतनी पूरी आबादी सिंगापुर की थी। अगर इतनी वैश्विक बीमारी वहां फैलती तो पूरा सिंगापुर जो है दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता। अच्छा। और 2.5 करोड़ आबादी ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा। क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं लड़ा वहां से? क्या ताइवान नहीं लड़ा उससे? तो बहुत से कंट्रीज ने बड़ा अच्छी लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई नहीं लड़ी। भारत जो है बिल्कुल भारत ने सही से लड़ाई नहीं लड़ी है। अभी मैं एक अपडेट देख रहा था, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की 100 वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, टॉप 100 वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे? तो आपको जान के बड़ा दुख होगा कि वायरोलॉजी एक साइंस है जो वायरस के बारे में स्टडी करती है। तो वायरोलॉजी के 100 इंस्टीट्यूट में एक भी इंस्टीट्यूट भारत के अंदर नहीं है। अच्छा। जबकि छोटी छोटी कंट्री सिंगापुर के अंदर इंस्टीट्यूट है, आपका जो है ताइवान इंस्टीट्यूट है, इवन जो मलेशिया बैंकॉक जहाँ की राजधानी है वहां पे भी एक इंस्टीट्यूट है, थाईलैंड में। तो इतने छोटे छोटे देशों में इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। और सरकार ने उस पर कोई काम भी नहीं किया ठीक से कि भाई हमारे पास बहुत अच्छा वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो जीनोम सिक्वेंसी को ट्रेस कर सकता और देखता कि पिछले 10 जनरेशन के अंदर क्या चेंजेस आए कोरोना के वायरस के अंदर। अच्छा। उसके अनुरूप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एडवांस वैक्सीन बना सकते हैं। अच्छा। वैक्सीन तो बनाई गई हिंदुस्तान? नहीं, वैक्सीन जो बनाई गई है वो वैक्सीन जो है वर्तमान वायरस पे कारगर है। अब वो नए जो आ रहा है, जो नया सीक्वेंस आ रहा है डीएनए का, आरएनए का वायरस के अंदर, उसके ऊपर कितना कारगर है ये भी डिबेट का विषय है। अच्छा। तो अगर हम प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, इंडिया एक बायोटेक कंपनी, बायोटेक कंट्री है, बहुत सारी बायोटेक कंपनीज यहाँ काम कर रही है, हमारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको रिसोर्सेज को प्रॉपरली पूल इन करें और विदेशों से भी सहयोग लें। अच्छा। तो हमें बहुत अच्छा वायरोलॉजी का स्टूडियो बना सकते हैं। अच्छा। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टडी की जा सकती है कि पिछले 10 जनरेशन में वायरस में जो चेंजेस आए उसके बेस पे आने वाले 40 जनरेशन में वायरस में क्या चेंजेस आएंगे, उनके लिए हम कैसी वैक्सीन बना सकते हैं, क्योंकि जो वायरस है वो भी एक सेल है और जो वैक्सीन जो है वो सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो एक सेल की दूसरी सेल से ह्यूमन लड़ाई, एक वायरस की सेल है, एक ह्यूमन की सेल है, तो उसको बचाने के लिए आप तकी भाई एक सवाल लगा, ये लड़ाई सुनिए तो आप, ये लड़ाई हमें जो है वो सड़कों पर नहीं लड़नी है। अच्छा। ये लड़ाई हमें न्यूज डिबेट में नहीं लड़नी है। अच्छा। ये लड़ाई हमें साइंस की लेबोरेटरीज में लड़नी है, बिल्कुल बेस्ट साइंटिस्ट के साथ लड़नी है, चीजों को एक्चुअली समझना है। अच्छा। शोर शराबा मचाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और सरकार को व्यवस्थाएं बैकअप देना है, ये सरकार का काम है, ताकि जब तक साइंटिस्ट वहां पहुंच पाए उससे होने वाले प्रभाव को हम बच सकें। देखिए, दो तरह से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, एक तो हम साइंटिफिक, हम पूरा अपने व्यवस्था को सही करें साइंटिफिकली जरूरी है, दूसरा हम अपने साइंटिस्ट को टाइम दें ताकि उस वायरस की तोड़ निकालने के लिए, वैक्सीन निकालने के लिए वो काम कर पाए, उससे लोगों का भला हो सके। तो ये लड़ाई हमें इस तरह से लड़नी है, उस पर केंद्र सरकार की बहुत अहम भूमिका है, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका है, यूपी में आजकल यूपी में केंद्र में बीजेपी सरकारें हैं। अच्छा। तो इन लोगों को काम करना है। और ये बीजेपी सरकार क्यों बोल रहे हैं आप? सरकार बोलिए, बीजेपी सरकार क्यों बोल रहे हैं आप? अरे बीजेपी सरकार नहीं है, सरकार तो बीजेपी है, पर ये नाम क्यों बोल रहा है बीजेपी? अरे भाई हमारे सरकार है दिल्ली में जो है, क्रेडिट तो बीजेपी लेती है। नरेंद्र मोदी जी जो है पिछले 6 साल में, पिछले 8 साल में अपने आप को बीजेपी का प्रधानमंत्री साबित कर पाए, अच्छा। भारत का प्रधानमंत्री कम साबित कर पाए, क्योंकि जिस तरह से काम हुआ है। दूसरी बात, दूसरी बात, अभी आपने देखा, आपने कहा 3 बार भारत के अंदर कोरोना की वेव आई, 3-4 बार उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव आया, लेकिन योगी सरकार ने यहाँ पे उससे कुछ सीखा नहीं है। अभी आपने देखा डेंगू आया, डेंगू हर साल आता है, एक रस्म अदायगी की तरह हर साल डेंगू आता है, पिछले 8 साल से लगातार डेंगू आ रहा है। डेंगू के वायरस में चेंज आया, जिसकी वजह से उसका बुखार तो आया डेंगू का, लेकिन जब उस किट लगाई गई तो किट में वो जो है आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वायरस जो है डेंगू का है। हम क्यों नहीं लड़ पाए डेंगू से? अच्छा। हम डेंगू से के लिए हमने अस्पताल कह रहे हैं डेंगू के लिए हम सेंटर बनाएंगे, हर जिला में सेंटर बनाया जाएगा डेंगू से लड़ने के लिए। अरे डेंगू एक सीजनल बीमारी है, एक मंथ के लिए आती है, 3-4 मंथ के लिए आती है, मृत्यु दर बहुत कम रही डेंगू में, लेकिन मृत्यु दर कम है, लेकिन संक्रामक बीमारी है। अरे योगी जी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि कोरोना, फिर आप बीजेपी चले आए, बीजेपी क्यों कह देते हैं आप? योगी जी ने कहा, आदित्य योगी नाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि वो इससे डेंगू से लड़ने के लिए हर जिले के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, एक अस्पताल बनाएंगे डेंगू के लिए। अच्छा। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट बनना है वो डेंगू ज्यादा आप कोरोना के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोरोना के लिए बनवाते, किसी जिले में
हर जिले में परमानेंट एक एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो वायरस से होने वाले संक्रमण के ऊपर काम करे। बैठ के वायरोलॉजी कर रहे हैं, दिल्ली में वैक्सीन होते हुए वैक्सीन नहीं लगाई गई। अच्छा, दिल्ली में वैक्सीन उपलब्ध थी। हाँ। दिल्ली में वैक्सीन ज्यादा वैक्सीन दिल्ली में लगाई गई। 100% वैक्सीनेशन दिल्ली के अंदर हुआ है। सबसे तेज वैक्सीनेशन दिल्ली के अंदर हुआ था। उत्तर प्रदेश का डेटा खोल के देख लीजिए और आप दिल्ली का डेटा देख लीजिए। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन 100% हुआ है तो दिल्ली में हुआ है। मास्क पहनते रहे हमने, बाहर से बैंकॉक से बाहर कंट्रीज से वैक्सीनेशन बनाया, सिंगापुर से मंगाई हमने, हमने वैक्सीनेशन की लड़ाई लड़ी। सरकार ने बताई नहीं पाई। जब हमने केंद्र सरकार से कहा वैक्सीनेशन दीजिए तो केंद्र सरकार ने कहा सारी स्टेट डायरेक्टली हमने वैक्सीनेशन की डिमांड कंपनीज को दे, कंपनीज ने मना कर दिया। क्या भारत सरकार ने लिया सबसे ज्यादा लापरवाही? तो आप कोई गाइडलाइन सही बना ना पाए, आप वैक्सीनेशन के ऊपर कुछ सही से बोल नहीं पाए, आपको ये भी नहीं पता था कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि आपको वार्निंग दी गई थी। आपके देश के संस्थानों ने कहा था कि हमें इतनी बड़ी बीमारी आने वाली है, हमें इतने मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए आप। आप इन लोगों को ऑक्सीजन कमी से लड़ते हुए मरते हुए छोड़ दिया आपने। सरकार ने क्या लोगों ने मुंह से ऑक्सीजन दी अपने मुंह से? कितने लोग मर गए? लोग चिताओं के लिए लकड़ी नहीं इस्तेमाल कर पाए आप लोगों को ना कुछ दे पाए जब ना जिंदा रहते कुछ दे पाए, और जब लोग मर गए तो उसके बाद कुछ नहीं दे पाए आप। लोगों के पार्थिव शरीर बिना अंतिम क्रिया करे प्रॉपरली बहा दिए गए। कितनी दुख की बात है कि हमारे देश के लोगों को अंतिम क्रिया नहीं प्रॉपर नहीं हुई। अच्छा, दुख की बात है कि भारत के लोगों को भाजपा के कार्यकाल के दौरान जो अंतिम क्रिया है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाई। कितनी दुख की बात है कि उनके शरीर को गंगा में बहा दिया गया, पूरी गंगा शव वाहिनी हो गई। यहाँ लखनऊ में इतने शव जल रहे थे, छतरी लगाई आपने, तीन लगा शव करने के लिए आपने, आप बड़ी बड़ी डेंगे मारते रहे, लेकिन जब व्यवस्था पड़ी तब आप काम नहीं कर पाए। अभी डेंगू में अंदर क्या किया आपने? डेंगू में अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, डेंगू का सही से इलाज नहीं किया, उसके बाद उन लोग कितने मर गए डेंगू से। पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का हाहाकार मचा हुआ है। आप इतने सात साल से लगातार छह सात साल सरकार में आप डेंगू को लेके व्यवस्था सही नहीं बना पाए आप। ढपोल चंद चिल्लाते शोर मचाते और कोई व्यवस्था सही नहीं दे पाते आप देश को। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है। आप जैसी झूठी दवा कहते हैं उसको यूज करना चाहिए और आप आईसीएमआर को दुकान है, आईसीएमआर को आपने चैलेंज किया जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो गए, वहाँ तांत्रिक बुलाया गया, वहाँ तांत्रिक को बुलाया इलाज करने के लिए। ये हालत है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर देश की व्यवस्थाओं की जवाब ले लीजिए। बोलिए गौरव जी, बोले बोले बोले। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने काम कर दिया वो कोई काम नहीं कर पाया। होम क्वारंटाइन हमने अपने किया, इसको हमने कॉपी किया, इसकी नकल उतारी। आपने सिर्फ आम आदमी पार्टी की कामों की नकल उठाई, वो भी नकल सही से उतर नहीं पाए। जब नकल नहीं उतर पाते क्योंकि आपने पढ़ा नहीं सही से, नकल नहीं उतर पाते ठीक से। अगर आप सही से पढ़े लिखे होते समझदार होते तो कसम नकल तो सही कर लेते। आप लोग नकल भी ठीक से नहीं कर पाए, आप ठीक से नकल नहीं कर पाए, लोगों को बता नहीं पाए ठीक से आप। अरे आप नकल तो कर देते तो लोगों की जान बच जाती। अगर आम आदमी पार्टी की बातों को आप मान लेते देखिए, दिल्ली से मजदूरों उत्तर प्रदेश के महोबा में देखिए, उत्तर प्रदेश के महोबा में वही दिल्ली के अभी आज की खबर है, उत्तर प्रदेश के महोबा में मिड डे मील खाने से कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, ओझा ओझा को बुला के उनका इलाज कराया जा रहा है। महोबा का खर्चा उत्तर प्रदेश की है, ये देखिए है, ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का आईना, ये देखिए पढ़ लीजिए। केसी जैन ओझा बुलाएंगे आप, कोरोना को भगाने के लिए ओझा बुलाइएगा, कोरोना बनाइएगा ओझा, बुलाएगा ओझा, ओझा से लड़िएगा, ओझा कोरोना के वायरस से लड़ेंगे। केसी जैन साहब आप ओझा को बुलाइएगा कोरोना बनने के लिए, ये ओझा बुलाए गए, ये देखिए मुहावरा की खबर है, ये खबर देखिए आप, पढ़िए घर से। ठीक है ठीक है, हो गया, हो गया हो गया, पढ़िए क्या लिखा है, हो गया पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए पढ़े लिखे है ना जी, नेट पे डाल लीजिए, पढ़ लीजिए। स्कूल के 15 छात्राओं को तबियत ठीक है ठीक है ठीक है झाड़ ठीक है ठीक है ठीक है आप लोग बाकी मेहमान भी बाकी बुला के आप लोग ठीक है ठीक है बाकी भाई कैसी भाई पीछे ये देखिए दादी बुला के आप झाड़ क्यों नहीं है जी ये दादी बुला के आप लोग ठीक है।
ठीक है, जाओ करने के लिए ये सब करिएगा। मैम सही कह रही थी, क्यों भगाया आपने मजदूर? जय श्री कृष्ण यार, गोबर से और गौमूत्र से इलाज करिएगा आप लोग। कोरोना में जो मौतें हैं उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी थी, मीडिया भी उसकी फैसले नहीं थे उसे। इतने लोग शहादी हो गए, पूरी जनता अच्छे लोगों की मौत हो गई, 50 लाख लोगों ने मृत्यु होने कहा है, 50 लाख लोग भारत में उनकी मृत्यु हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया आबादी की मजदूर है। और बकार पार्टी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कट्टा ईमानदार पार्टी है, कट्टा देशभक्त पार्टी है, इंसानियत को मानने वाली पार्टी, सबका सम्मान करने वाली पार्टी, सबको भविष्य तकी भाई, प्लीज 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 हमारे साथ तकी से, तकी भाई से पूछिए जी कि इन्होंने मजदूरों को क्यों भगाया दिल्ली? अरे अपने अंतर्मन से पूछिए, कुछ अपने अंतर्मन से पूछिए, कुछ अपने आप से पूछिए। ठीक है ठीक है, हां बताता हूं, तकी भाई जी बताएंगे, बताता हूं। ऐसे नहीं होगा, और मेहमान भी है हमारे साथ। कैसी भाई प्लीज, मजदूरों को क्यों भगाया? सवाल नंबर दो, भागे आप ये से, सवाल नंबर दो, उत्तर प्रदेश में झूठ क्यों बोला आपकी सरकार? 1,02,000 आपने चुनाव में 5,000 अफसोस उन मजदूरों के लिए बस नहीं लगा पाए, शर्मनाक के बीजेपी के लिए, जो चुनाव रैली के लिए बसें लगा देती है, सबसे झूठों ने बसें नहीं लगाई आप लोगों ने। कभी झूठ बोलेंगे, हमने वैक्सीन लगा दी, हमने वैक्सीन बना दी, 5 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ डॉक्टर चित्ता सक्सेना जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, लंबे समय बाद आपको बात लेने जा रहा हूँ, ये बताइए किस तरह से आप देख रही व्यवस्थाओं को, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहली लहर आई उसमें लॉकडाउन लगाया गया, उतनी क्षति नहीं रही, मृत्यु दर बहुत कम रही है, पर जो दूसरी लहर आई थी डेल्टा वेरिएंट वाली, उसमें 2021 में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, और केवल संख्या भारत में नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर स्थिति यह रही, उससे लोग लड़ नहीं पाए और बड़े आंकड़े आए मौत के। प्रयास किया गया पर चूंकि बीमारी इतनी भयावह थी कि चीज़ें कम पड़ गई, पर इस बार जो BF7 जो वेरिएंट की बात चल रही है, किस तरह दिखती है और यहाँ पर शुरुआती कदम क्या होने चाहिए, एक चिकित्सक होने जाते क्या सलाह देंगे? इस वेरिएंट ने जो ये वेरिएंट आया वायरस का, ये इतना वायरलेंट है लेकिन ओमिक्रॉन से ज़्यादा वायरलेंट, लेकिन डेल्टा वायरस से कम वायरलेंट है। अच्छा अच्छा, इसका ये सिम्टम्स होते हैं कि पहले तो सिम्टमलेस होता है, नेजोफेरेंजियल एरिया में रहता था पहले जो वायरस, तो हम लोग के साथ उसमें आ जाता था, नेजल ड्रॉप में, नेजल स्वाब में आ जाता था, लेकिन अब ये नेजोफेरेंस में रहता नहीं है। अच्छा, तुरंत ही लंग्स में ये प्रवेश कर जाता है और उसमें निमोनिया कॉज कर देता है जी। इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आते, सर थोड़ा सा बुखार होगा, बॉडी होगा, जॉइंट्स पेन होंगे, सर दर्द होगा, बैक पेन होगा और निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया के बाद उसके सारी सिम्टम्स बनेंगे। सेकेंड वेव में जो आया था वो सार्स
डेवलप होने लगा था, मतलब सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होने लगा जी, था जी। और इसके सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे, सारे ऑर्गन्स को फेल करने लगा था, इसलिए मृत्यु दर ज़्यादा थी जी। जो और थोड़ा सा हम लोग की लापरवाही कर लिया, हम लोग की लापरवाही जन आंदोलन नहीं हो पा रही, जनता की जो लापरवाही थी इसकी वजह से हम लोग की इतनी हम लोग को इतना नुकसान उठाना पड़ा जी। हम लोग को शुरू से अपने पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, हमारी जो पर्यावरण स्वच्छ वातावरण रहे हमारा, और हम लोग हरियाली पे पेड़ों पे और नेचुरल इम्यूनिटी पे ज्यादा ध्यान दें जी। ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल है ना। तो अगर आपकी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको छोटी छोटी जो बीमारियां वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि वायरस एक सेल है, वायरस एक सेल नहीं है, इट इज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कहीं सेल में जाता है वो अपना सेल्फ शेप ले लेता, बना लेता है, है ना, और उसको इन्फेक्ट कर देता है उस सेल को, वो नॉन लाइव ऑर्गेनिज्म है जी। तो इसको जल्दी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जी। इसके लिए वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूट बनने चाहिए और सरकार की गाइडलाइन इस तरह बननी चाहिए कि आप लोग थोड़ी लापरवाही ना करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, हाथ बार बार धोते रहें, आग दो गज की दूरी बनाए रखें जी। और जैसे भी कोई ऐसा आदमी आता है जो आप जिसको सस्पेक्टेड है जी, सस्पेक्टेड मतलब फीवर है या खांसी जुकाम बुखार है, तो आपसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें जी। और भीड़ वाली जगहों पर ना जाएँ, मेले ठेले में ना जाएँ, और जो जहाँ पे जैसे डिस्टेंसिंग जैसे वहाँ पे थी पिक्चर हॉल में एक सीट छोड़ के आपको बैठना है, तो यही चीज़ें आप गाइडलाइन फॉलो सरकार की करते रहेंगे, सरकार की मदद करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम पे काबू ना किया जा सके जी, बिल्कुल है ना। तो और चिकित्सकों की कम से कम चिकित्सकों की आप इज्जत करें जी, इतना वो मेहनत करते हैं जैसे आप, है ना, मैं सुबह से शाम तक बिगर बैठे और प्लास्टिक में बंद के वो काम करते हैं, कम से कम उनकी इज्जत करें। ठीक, बस आइए तो प्लास्टिक में आता आदमी और प्लास्टिक में ही जा रहा आजकल, कोरोना की वजह से प्लास्टिक में आदमी पैदा हो रहा, प्लास्टिक में उसकी अंतिम क्रिया हो रही है। तो इस ये चीजें देख ले कि इतनी स्थिति भयावह क्यों होती जा रही है, कि हमने अपने पर्यावरण को बहुत नाश किया है, बहुत नाश किया है, सड़कें हैं नहीं इसको, गाड़ियां बनती जा रही हैं जी, पेट्रोल है नहीं गाड़ियां बनती जा रही हैं जी, डीजल की वजह से और सीएनजी की वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है कि आपकी इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है जीता जी। हमारे साथ समाज सेवी विवेक शर्मा जी भी हैं। विवेक भाई, और हमेशा रूबरू होते रहते तमाम समस्याओं से, और कोरोना के समय भी आपने तमाम सहयोग किया, बड़ी मेहनत की है, कैसे देखते इस बीमारी को, इस जो नया वेरियंट आ रहा है, और क्या कुछ होना चाहिए और किन मुद्दों पे इस समय संघर्ष जरूरी है जी। गौरव जी नमस्ते इंडिया जी, स्लोगन से पता लग रहा होगा जी, बिल्कुल नमस्ते, शुरुआत कहां से हुई थी जी। केसी भाई अभी नाराज भी हो रहे थे और होना भी चाहिए जी, फिर भी चौधरी जी कुछ शब्दों का गलत प्रयोग कर दिया आपके, जो हमारे प्रवक्ता महोदय है उन्होंने भी किया जो नहीं होना चाहिए। इस समय हम लोग जो बैठे हैं जी, वो जनमानस के हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं इस डिबेट में जी। हम लोगों का ये एक फर्ज बनना चाहिए सभी का, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष के हो। हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि चिकित्सकों की इज्जत करिए क्योंकि वो बड़ा काम करते हैं जी। तो एक सबसे पहले तो मैं केसी जैन साहब से एक विनम्र निवेदन करूंगा, जो कि आज दोपहर की डिबेट चर्चा में भी मैं आपके कार्यक्रम में था प्राइम टीवी पे जी। क्या हमारी सीएससी और पीएससी बेहतर है? अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में जो आती है जी, जो सेकंड वेव में भी देखा, फर्स्ट वेव में भी देखा जी, कोरोना की जो वेव आई है ये अब तीसरी वेव आ रही है, ये गांव से स्टार्ट इसमें गांव से ही होगा जी, क्योंकि लोग अनभिज्ञता की वजह से ये स्प्रेड कर जाता है जी, गांव से लोग शहर में आते हैं और वो सबको फैला देते हैं जी। सबसे पहले हमारी सीएससी और पीएससी, जो उस जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर प्रतिदिन हम देख रहे हैं हमारे चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दौरा करते हैं, समस्याएं वहां पर दिखाई जाती हैं कि लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, दवाइयां नहीं है, वहां के जो बेड हैं वो भी सही नहीं है। तो सबसे पहले तो सीएससी पीएससी को आप बढ़िया करिए। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर,
या आपके यहाँ संजय गांधी संस्थान है, आपका लोहिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर तो सब आप इलाज मुहैया हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ सरकार बैठी हुई है। अच्छा। लेकिन गांव में कौन देखेगा? अच्छा। गांव में कौन देखने वाला है? गांव सबसे पहले तो हमारी सरकार को गांव गांव के लोगों को सिक्योर रखना होगा। अच्छा। उनको जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा जी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मस्ट है, मास्क का प्रयोग बहुत मस्ट है। प्रेजेंट टाइम जो हम लोग गैदरिंग देख रहे हैं कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है या जो पार्टियों का अभी देखा था आपने चुनाव वाला माहौल चालू हो गया तो लोग बैठना चालू करते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये बहुत गलत है। अच्छा, तो जो यात्रा होनी बंद करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, यात्रा बंद होनी चाहिए सर, यात्रा हो रही है वो जी सर, यात्रा हो रही तो वो भी नहीं नहीं बात यात्रा होने से पहले ये यात्रा के बीच में आया है ना, अगर ये यात्रा होने से पहले हो रहा होता तो यात्रा को बंद कर देना चाहिए जी, अब बंद कर लेकिन दे। अब ये जो हो गया है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए अपनी अच्छा। यात्रा को पूर्ण करें। अच्छा, यात्रा कर रहा है यात्रा नहीं है भाई, यात्रा नहीं, हम कहते हैं अगर आपका मन है यात्रा करने का अकेले करिए ना, आप भीड़ लेकर क्यों चल रहे हैं जी, आप जगह जगह लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? अच्छा भाई, आप अकेले भी चल सकते हैं, आपने एक प्रण लिया है कि भारत यात्रा करनी है, भारत को जोड़ना है। अच्छा, आप लोगों से कनेक्ट, आप कह रहे हैं राहुल गांधी अकेले चले, आपके माध्यमों से हम, आप चाहते राहुल गांधी अकेले चले, पत्रकार बंधु हैं जी, जो हमारे मीडिया के कर्मी हैं, वो तो बेचारे किसी भी उसमें हालातों में वो जाकर उसको कैप्चर करते हैं, बिल्कुल वहां तक दूर तक अपनी बात पहुंचाई जी। बेबे भाई जी, तो आपके मुताबिक राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं अकेले करें, कम से कम लोगों के साथ कर रहे हैं, जनसमूह ना जुटाए, ठीक है। शिल्पी जी कुछ बोलना चाह रही हैं, आप बताइए। मैं विवेक जी की एक बात पे मैं उनसे जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि कोरोना जो है ग्रामीण क्षेत्रों से फैला, ग्रामीण क्षेत्रों की बीमारी है, आपके पास ये तथ्य कहाँ से आए विवेक जी? क्योंकि कोरोना पहली लहर आपकी इमिग्रेंट्स की वजह से आई है भारत में, नमस्ते इंडिया जो आप शब्द खुद यूज कर रहे हैं और खुद आप जान रहे हैं ये रईसों की बीमारी थी। अच्छा। और मैं लगातार जनता के संपर्क में रहती हूँ, आज तक मुझे कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों से कोरोना के कोई केसेस नहीं रिपोर्ट हुए, ऐसा नहीं कहूं कि 100% नहीं हुए, लेकिन फिर भी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में जब मैं रही हूँ, इवन बस्तियों में जहाँ रिक्शे वाले, जहाँ बेरोजगार कामगार मजदूर कोरोना से नहीं मरे हैं, मजदूर जी भूख से मरे हैं, भूख से मरे हैं। कंप्लीट लॉकडाउन किया गया जब भारत में कंप्लीट लॉकडाउन किया गया, आप दिल्ली सरकार को कह रहे हैं कि आपने मजदूरों को भगा दिया, दिल्ली सरकार ने भगाया कि आपको ऐसे मेजर करने चाहिए थे कि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे, जब पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनको पैसे देने वाला कोई नहीं बचा, आप जिम्मेदार दिल्ली सरकार को बता रहे हैं। और विवेक जी की ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई जो कह रहे हैं कि जीएसटी पीएससी से जी। लोग दबाव डलवा कर एरम मिडवाइफ दाई अच्छा। ये लग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये टेरर मचाए हुए हैं गांव में अच्छा। कि बूस्टर लगवाइए, वैक्सीनेशन अच्छा। कराइए, उस बूस्टर और उस वैक्सीन को लगाने की बात कह रहे हैं जिसके की कोई नतीजे ही किसी को नहीं पता है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि वेरिएशन होगा, म्यूटेशन होता है वायरस में, वायरस अपना प्रकृति हर दिन बदलता है। और उन्होंने भी एक बात कही कि सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो अन्य चीजों को ना मिलाइए। बिल्कुल भी कोरोना रूरल एरिया से नहीं शुरू हुआ, कभी भी नहीं शुरू हुआ, ये पूरे एक एलीट क्लास की बीमारी थी और इस एलीट क्लास ने इसको स्प्रेड किया है पूरे भारत में। अच्छा। हवाई जहाज में ट्रेवल करने वालों ने इसको स्प्रेड किया है। कनिका कपूर लखनऊ का सबसे पहला केस कनिका कपूर थी। अच्छा। वो एक सोशलाइट थी, फेज 3 पर्सनालिटी हैं जी। और उनकी वजह से लखनऊ में स्प्रेड हुआ, जिन्होंने आकर बाहर से यात्रा की और उसके बाद यहाँ पर पार्टी करी और उस पार्टी के बाद 150 लोग पॉजिटिव हुए हैं, 150 से 200 लोग उनकी पार्टी में थे लेकिन कभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कार्रवाई के नाम पे आम जनता को बलि का बकरा बनाते हैं, आप कहते हैं कि नेताओं की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो इन फेज 3 सेलिब्रिटीज की क्या जिम्मेदारी है? अच्छा। जो विदेशों से जाकर कोरोना लेके आए हैं, आज आप राहुल गांधी को जिम्मेदार कह रहे हैं कि वो भीड़ लेके चल रहे हैं, कनिका कपूर पे क्या जिम्मेदारी तय हुई जी। और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई जी। उनकी पार्टी में कौन कौन लोग थे उसकी लिस्ट कभी सार्वजनिक क्यों नहीं करी गई जी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आप हर चीज को राजनीतिक लोगों पर क्यों थोप देते हैं जी?
भाई जल्दी जवाब दीजिए, फिर किसी भाई की बात लेता हूँ। बेबी भाई जल्दी जवाब। हाँ मैं एक्चुअली सुन नहीं पाया था शिल्पी जी के, एक शब्द मैंने सुना था कि पता नहीं विवेक जी क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा। सीएससीपीएससी देखिए अभी इस समय पर अगर आप ये लोग आप लोग एक दूसरे की बातों को उछालते रहेंगे कि उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं ऐसा किया गया, तो आगे का कुछ काम नहीं हो पाएगा। शिल्पी जी सुन लीजिए, शिल्पी जी सुन लीजिए, शिल्पी जी दूसरे आप तो नाराज हो ऐसे हो रहे हैं जैसे मैं पार्टी पार्टी विशेष का आपकी हूँ भाई। आप लोग राजनीति कर रही हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी है। हम लोगों को सुन लीजिए, हम सुन लीजिए, आपने कहा ना सुना बता सकते हैं तो सुन भी सकते हैं ना। बोली बोली यही एक दिक्कत है, जो चीज आज भाजपा कर रही है ना कि वो अपने आगे किसी के नहीं सुनती, ये कौन सी बात है, आप ही कर रहे हैं। तो आप सुन तो लीजिए। अच्छा भाई जैसा आप ही लोग बोलते हो ना, आप ही लोग बोलते हैं, मतलब ये हमारे जितने भी विपक्षी है भाजपा नहीं सुनती, हम लोगों की बात नहीं सुनती, वैसे आप हमारे विपक्ष नहीं सुन रहा है। अरे सुन तो लीजिए, हम लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जल्दी बोलिए, समय करना भाजपा को बोले बोले। देखिए सबसे पहले तो सीएससी पीएससी को आप क्लियर करिए। दूसरी चीज, जो वेंटिलेटर आप लोगों ने पूरे लखनऊ पूरे प्रदेश में लगाए हैं, उसको चलाने वाले जो प्रशिक्षित स्टाफ है उसको जरूर अपॉइंट करिए, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ नहीं है, वेंटिलेटर लगे हुए। अच्छा ठीक है, और आज की रिपोर्ट है 16 मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं। अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपको जी। आज ही की रिपोर्ट है, आज ही की न्यूज है, उत्तर प्रदेश के 16 मेडिकल कॉलेजेस के वेंटिलेटर खराब हो गए हैं जी। लेकिन जितने सही हैं उसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ भी तो होना जरूरी है। किसी भाई स्टाफ नहीं रहेगा, किसी भाई के साथ संपर्क टूट गया है, कौन चलाएगा? जोड़ लिया जाए, किसी भाई का संपर्क टूट गया। ठीक है, बोलिए ताकि जल्दी बोलिए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी मैम ने मुझे एक बात के लिए टोका, उसके लिए मैम का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैंने कहा वायरस किसी वजह से संपर्क टूट गया जोड़ लिया जाए नहीं होती जी। तो वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, सो सम टाइम इट्स बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग एंड गेट अ होस्ट, एवर को होस्ट मिलता है। अच्छा, तो एक लिविंग सेल की तरह काम करना, वो तो उन्होंने भी कहा। हां बिल्कुल उन्होंने यही कहा। दूसरी बात, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है और हमारी बॉडी के अंदर सेल भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो दो प्रोटीन्स के बीच की लड़ाई है और उसको हम एक नई तरह की प्रोटीन बना के एंटीवायरस दवा बना के उससे जीत सकते हैं। तो उसके लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है, हमें साइंस की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है और बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत है। और इसी मौके पर बहुत से डॉक्टर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं देखा कोरोना काल के दौरान बहुत से डॉक्टर्स ने अपनी जान से हाथ धोया और परिवार के साथ भी नहीं दे पाए, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर्स को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, 1200 डॉक्टर्स का नमस्कार करना चाहता हूँ, उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं हमारे साथ बैठी है, सबसे अच्छा मौका उनको याद कर देगा, बिल्कुल ऐसे सब मौके में जब लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे, घरों बैठे डर रहे थे लोग, ऐसे समय में घर से निकलना, बच्चों को छोड़ना, परिवार से बेचारों ने डॉक्टर ने सबने बहुत अच्छे से काम किया। मैं हैट ऑफ करता हूँ सारे डॉक्टर्स को मैम के सामने, मैम हमारे साथ आज है, मैम को बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे क्रेडिट किया उसके लिए भी। और हो सकता है आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखती हो, लेकिन बातों से इत्तेफाक भी रखती होंगी। और ये बहुत जरूरत है, किसी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वायरस की स्टडी को प्रॉपरली करें, किसी कुछ बोलना चाह रहे हैं, काम करें, क्योंकि आने वाले टाइम वायरस से ज्यादा आ रहे हैं। बात जैसा कि चित्रा जी ने कहा कि देखिए ये जहां तक डॉक्टरों की बात है, साइंटिस्टों की बात है, और देखिए कोई भी पार्टी अपनी कितनी भी पीठ थपथपा ले, लेकिन कोरोना वैक्सीन जब आई तब सारी पार्टियों ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया, सारी पार्टियों ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई। और उसी वैक्सीन के बल पर, उसी वैक्सीन की वजह से जो है इस कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण में किया गया। जैन साहब, वो जो वैक्सीन जल्दी आ गई वो पूरे वर्ल्ड के एफर्ट से आई। अच्छा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ने उसके अंदर ट्रायल हटा दिए थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज ट्रायल जो थे हटा दिए गए थे। अच्छा, डायरेक्ट ह्यूमन यूज के लिए दवा अप्रूव कर दी गई थी, क्योंकि बहुत इमरजेंसी थी। तकी भाई आप क्यों नहीं जैसे सराहना चाहते भाई, व्यवस्था को सही से जो सोचना है उसको सही से शेयर करें, उसके अंदर पूरे देश तकी भाई में नहीं पूरे विश्व के साइंटिस्ट का उसके अंदर योगदान था। क्योंकि जब कोई दवा, देखिए मैं बहस नहीं करना चाहता, आप बहस ना करिए, सो बेकार। अच्छा
वैक्सीनेशन जरूरी आई है, पूरे वर्ल्ड में आई है, उसके लिए ट्रायल्स होते थे, उसके फेजेस को हटाया गया है क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी बन के पूरे वैश्विक स्तर पर आई थी, इसलिए उसको फेज आउट कर दिया गया, वैक्सीन को जल्दी दिया गया। इस बात पे मैं भी इतराज रखती हूँ, जो मैम है, जो बैठी डॉक्टर मैम है, वो उसके बाद पाकिस्तान की भाषा बोलती है, पाकिस्तान आ गया आपका जी, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान ये पाकिस्तान बेचारे पाकिस्तान के मारे लोग, अरे इनको पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों की डिबेट बुला देते हैं आप, पाकिस्तानियों डिबेट क्यों बुला देते भाई, गौरव गौरव श्रीवास्तव जी आप पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तानी बुला रहे डिबेट के अंदर, हर दो मिनट पाकिस्तान के लाते अंदर से, पाकिस्तान पसंद क्यों बीजेपी के लोगों को, अडवाणी साहब जाके वहाँ रोए, अटल बिहारी जी बस लेके चले गए, मोदी जी को पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लैंड कर गए, इतना पाकिस्तान में प्यार क्यों बीजेपी को, मैं समझ पा रहा हूँ बात हो रही है यहाँ कोरोना के ऊपर बात हो रही है, बिना पाकिस्तान के तो इनका खाना अंदर नहीं उतरता, जैसे आदमी खाना खाने से पहले पानी पीता है, सगी भाई सगी भाई आप मजदूर को भोजन नहीं दे पाए, आपने आपने मजदूर भगाया क्यों, हमने पांच लाख मजदूरों को रोज खाना खिलाया है दिल्ली के अंदर, भगा कर दिया, मीडिया पे आया है, सारे मीडिया दिखाया है, भगाया तो इन्होंने था, इन्होंने अभी आपने आपको योगी जी की टूट दिखाई आपको, अभी योगी जी की आपने योगी जी ने टूट में क्या कहा था, सरकार ने बताया फिर आप दिखाए लगे भाई, ये क्या दिखाते हैं भाई, ये योगी जी का ट्वीट है 2020 में मार्च में किया गया था कि उन्होंने बसों का इंतजाम कर दिया है मजदूरों के लिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कैसी भाई ये बोल रही है, ट्वीट देखिए ट्वीट, कैसी भाई कैसी भाई, तकी भाई प्लीज 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 तकी भाई प्लीज ताकि उत्तर प्रदेश कैसी भाई शिल्पी शिल्पी चौधरी कुछ बोल रही है, आपने कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, ठीक देखिए मैं तो कह रही हूँ गौरव जी गोबर खिलाइए, फिर आप गोबर पे आ गई भाई, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अरे गोबर पे क्यों आ गए, जनता पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी गोबर पे चल रही है, गाय पे चल रही है, हम क्यों नहीं चले, अच्छा अरे जनता के हित में चल रहे हैं, जनता को खिलाइए गोबर, जनता गोबर खाएगी और कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है एकदम सही कह रही है, गोबर खिलाइए गौमूत्र पिलाइए सब ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी है बीबीएससी मीडियम हो गया आपको पता नहीं है, अच्छा अरे वैक्सीन देश के साइंटिस्ट ने बनाई है, बीजेपी ने पार्टी ने बनाई है, हमने मीडियम हो गया है, ये सरकार भी तो आ रही है आपको जी, वायरस नहीं विषाणु बोलिए, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं जी, अच्छा एमबीबीएस को क्या कहेंगे हिंदी में, शिल्पी मैम शिल्पी मैम शिल्पी मैम एमबीबीएस को क्या कहेंगे हिंदी में, मियां बीबी बच्चों समाज बोले 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 एमबीबीएस को हिंदी में क्या बोले, शिल्पी जी कैसी भाई कुछ पूछ रहा है, शिल्पी जी कैसी भाई कुछ पूछ रहा है आपसे, बोले कैसी भाई बोले, अखिलेश यादव जी ने जो वैक्सीन लगवाई वो भाजपा की थी कि सपा ने बनाई थी जी, अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे सपा की वैक्सीन लगवा रहा, अच्छा भाजपा की वैक्सीन मत लगवा रहा, शिल्पी जी कैसी जैन जी कैसी जैन जी बारी बारी बोले कैसी जैन जी जी एमबीबीएस एमबीबीएस को हिंदी में क्या कहेंगे, मियां बीबी बच्चों समेत, अरे भाई ये कौन डिग्री डिग्री डॉक्टरी पैसे से मखोल नहीं, अगर आप सब हिंदी में लेके आ रहे हो तो हिंदी को मैं तेज करेंगे, पढ़ाई लेके आ रहे हो अलग बात है, सब हिंदी में लेके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपने सिलेबस हिंदी में कर दिया, अच्छा नशेड़ी पार्टी हो गई, अच्छा अरे पूरा मेडिकल साइंस अंग्रेजी में है, पूरे गोपिया है, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, जापान के हैं, पूरी स्टडी अंग्रेजी में है, आप चाहते हैं लोग पढ़ ना पाए पीछे रहे, इसलिए आप हिंदी में लेके आ रहे हैं, आप नशे में नहीं भी हिंदी में लेके आ रहे हैं, चलो ठीक है चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी का वो उतना प्रिय है जो जितना नशा करे, ठीक है डॉक्टर ठीक है ड्रग्स तो गुजरात में ठीक है ठीक है ड्रग्स तो गुजरात में डॉक्टर से डॉक्टर कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है स्कूल नहीं खोला, ठीक है ठीक है मैम कैसी भाई कैसी भाई डॉक्टर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, इन्होंने एक डॉक्टर चित्र शेखर बोलना चाह रही है, बोलिए 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 डॉक्टर साहब बोलिए, कोरोना पे डिबेट होते होते पॉलिटिकल हो गई है जी बिल्कुल,
जी आप एक दूसरे के पार्टी पे कीचड़ उछाल लें, पॉलिटिकल डिबेट ही होगी जी, सोशल डिबेट नहीं हो पाएगी जी, बोले, सोशल डिबेट होनी चाहिए ना जी। और दूसरे कह रहे हैं कि गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं जी, आप बताइए कि आजकल सब ऑर्गेनिक खाद क्यों, ऑर्गेनिक चीजें क्यों लेते हैं, ऑर्गेनिक में क्या होता है, गोबर ही तो होता है, कंपोस्ट होती है तो किससे बनती है, गोबर से तो बनती है। मैम गोबर जो है वो खाद के लिए इस्तेमाल होता है, खाने में इस्तेमाल होता है, नहीं तो गोबर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट मेड टू डाइजेस्ट द गोबर, गोबर खाने की सलाह कौन दिया भाई, गोबर खाने की सलाह कौन दिया है, अरे डॉक्टर संघ के डॉक्टर हैं, संघ के शाखा में जाने वाले पढ़े लिखे मीडिया होल्डर डॉक्टर हैं, वो भी जैन साहब हैं, अच्छा वो भी जैन साहब हैं, अच्छा गोबर के उनके वीडियो चल रहे हैं और मैं तो बेचारे बीजेपी जानती है दूध तो पैदा नहीं हो पाएगा, ये क्या दशहरी पार्टी के साथ क्या सफाई दशहरी हो गई है क्या जी, जनता को पता चल गया है गौरव साहब देश जनता समझ गई है कि दूध थन से निकलता है, गाय तुम उठाएगी तो गोबर ही करेगी, ठीक है बीजेपी गोबर ही कर रही है, जनता दे रही है, ठीक है आप सभी मेहमान कर रहे हैं जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा हुई थी, शुरू हुई थी कोरोना के चौथे वेरियंट यानी BF.7। अब BF.7 है क्या और भारत में कितनी तबाही मचा सकता है या भारत इसको रोकने में कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर यहाँ पर चर्चा शुरू कोरोना से हुई और आखिरी खत्म आके हुई गोबर पे। अब चर्चा क्या थी, गौमूत्र गोबर क्या उपाय है, ये तो आयुर्वेदिक की व्यवस्थाओं के अलग है, पर यहाँ पर मेरे ख्याल से जिस तरह से डॉक्टरों ने इलाज किया, वैक्सीनेशन हुआ, लोगों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर अपनी कुर्बानियाँ दी, डॉक्टरों के भी तमाम परिवार उजड़ गए, जो उनके साथ नाइंसाफी है। अगर वास्तव में कोरोना के समय किसी ने डट के संघर्ष किया है तो डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गए और हमारे फ्रंट पर आकर काम करने वाले वर्कर हो गए, सबने संघर्ष किया और संघर्ष के दम पर ही कोरोना को उतना रोका जा सका जितनी की उम्मीद कम थी। इतनी बड़ी आबादी, कम संसाधन, जिस बीमारी से बड़े बड़े देश नहीं लड़ पा रहे थे उस बीमारी पर यहाँ भारत में किस तरह संघर्ष हुआ और लोगों ने अपनी क्षमता के रूप प्रदर्शन करते हुए असीमित लोगों की जान बचाई, स्पष्ट करता है कि जहां जीवनता है वहां जीतता है और जहां जीवटता है वहीं संघर्ष है और जहां संघर्ष है वहीं जीत है और जहां जीत है वहीं नाम है और अगर नाम है तो वास्तव में उस नाम को सार्थक करना है, लड़ते रहना है बीमारी से भी और समस्याओं से भी, और वास्तव में अगर हमको जुटना है आने वाली समस्या या आने वाली बीमारी के प्रति खड़ा होने के लिए तो जागरूक बनिए, मास्क लगाते रहिए और सबसे पहली बात जो कोविड नियम है उनका पालन करते रहिए, तभी बचेंगे, अन्यथा जो व्यवस्थाएं हैं वो तो ऐसे ही रहेंगी। तो ऐसी चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।